यात्रा में राहुल गांधी के अलावा 140 भारत यात्री हैं। इनका हर दिन नया ठिकाना होता है। इनका केव एक छोटे गांव जैसा होता है। नए पड़ाव के लिए रोज गांव बसता है और रोज उतरता है, वो भी सिर्फ 6 घंटों में। हर पड़ाव के बाद यात्रियों के ठहरने वाले कंटेनर फिर नई लोकेशन पर होते हैं। वहाँ पानी, बिजली, सीवेज लाइन जैसे तमाम काम चंद घंटे में पूरे करने होते हैं। हर यात्री का अलग कंटेनर नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी के पास 2 कंटेनर है। एक में वे खुद चढ़ते हैं और दूसरे में उनका किचन है। इसके अलावा अन्य कई वीआईपी कंटेनर भी हैं। जब प्रियंका गांधी आई थी तो परिवार सहित वे भी इन्हें कंटेनर में ठहरी थी। बाकी कंटेनर रेल के डिब्बों की तरह है, कुछ में 2, कुछ में 4, 6, 8 और 12 बिस्तर लगे हैं। जयराम रमेश बताते हैं कि कैंप में हर रात करीब 250 लोग ठहरते हैं। इसमें 140 रेगुलर भारत यात्री और बाकी प्रदेश के यात्री हैं। हमें अपने पड़ाव के लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। हम एक जगह 2 रात नहीं रुकते, हर दिन ठिकाना बदलते हैं। हम 1 सप्ताह पहले ही तय कर चुके होते हैं कि हमें कहाँ ठहरना है। इसके लिए जमीन देखने का काम पहले ही हो जाता है।